शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जो एक नई मदर है, एक बिजी होम मेकर है या फिर एक वर्किंग मदर है और जो अपने बच्चों को टीवी और टैब की दुनिया से दूर रखना चाहते हैं। नमस्ते, वेलकम टू फूड हैशटैग लाइफ। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आपके बिजी शेड्यूल में से भी आप टाइम निकाल के कैसे अपने बच्चों को घर पे एक अर्ली लर्निंग दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आप बच्चों के टॉय कैबिनेट को कैसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उसमें आप लर्निंग टॉयज को कैसे ऑर्गेनाइज करें। आज के जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस मेनली तीन डोमेन पे बेसिस है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड फाइन मोटर। मैं इन बास्केट को इस टैक्सोनॉमी के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए देख लेते हैं हम कैसे एक लर्निंग टॉय कैबिनेट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस कैबिनेट में मैं अपने डॉटर के सारे लर्निंग टॉयज को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। फर्स्ट शेल्फ पे मैंने बुक्स, क्राफ्ट आइटम एंड फैमिली गेम्स ऑर्गेनाइज किया है और सेकंड शेल्फ को मैंने वीकली लर्निंग एक्टिविटी बास्केट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। यहाँ पे जो आप तीन बास्केट देख रहे हैं ये मंडे टू सैटरडे के हिसाब से ईच एक्टिविटी में डिवाइडेड है और इन बास्केट्स को मैंने घर पे बनाया है। ये बहुत ही इजी DIY है जो मैं बहुत ही जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। यहाँ डोर पे मैंने एक चोर चार्ट लगा के रखा है। इस तरीके का एज अप्रोप्रिएट चोर चार्ट आपको इंटरनेट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये कुछ काम है जो मैं अपनी बेटी को इनकरेज करती हूँ करने के लिए ताकि वो अपने अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कर पाए। और इस चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने लर्निंग बास्केट एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज किया है और इस डोर पे मैंने कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लगा के रखा है जो हम अपने बच्चों से पूछ सकते हैं कि हाउ वाज द स्कूल टुडे। फर्स्ट शेल्फ पे यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स रखे हैं। ऑलवेज एनकरेज योर चाइल्ड टू रीड बुक्स और जब भी आपको गिफ्ट करने का मौका मिले तो आप डेफिनेटली बुक्स गिफ्ट कीजिए। और बच्चों को जब आप रात को सुलाने जा रहे हैं तब उससे पहले एक या दो स्टोरी ज़रूर पढ़ के सुनाएं, उनको अच्छा लगता है और उससे उनका इमेजिनेटिव पावर भी बढ़ता है। और राइट सेक्शन में मैंने फैमिली गेम्स रखा है। जब हम वीकेंड्स में बाहर नहीं जाते हैं, घर पे रहते हैं, तो हम इन सब फैमिली गेम्स को साथ में बैठ के खेलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देने की कोशिश करूँगी, अगर आप चाहें तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। और इस तरह का गेम्स आपके बच्चों के कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है। और इस बास्केट में मैंने सिमिलर टाइप के कुछ संडे एक्टिविटीज़ रखा है। जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है हम बैठ के इस एक्टिविटी को साथ में करते हैं। पीछे का जो ये बैग है इसमें मैंने कुछ क्राफ्ट सप्लाईज रखे हैं और कॉर्नर पे इस बैग में जो मैंने आपको फिशिंग गेम दिखाया था उससे रिलेटेड जैसे फिशेज और फिशिंग रॉड ये सब रखा है। कॉर्नर पे यहाँ पे इन दो बास्केट्स में मैंने क्राफ्ट सप्लाईज रखा है। ये कुछ क्राफ्ट रिलेटेड बुक्स हैं जिससे हम आइडिया लेते हैं क्राफ्ट्स बनाने के लिए। आप देख सकते हैं कार, ट्रेन, प्लेन्स, इस तरह का कोई भी आप बना सकते हैं। जैसे ये रॉकेट है, इनको हमने साथ में बैठ के बनाया था। ये बच्चों के लिए एक बहुत ही फन एक्टिविटी है और इसके थ्रू वो लोग बहुत अच्छा लर्न कर सकते हैं। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए जितने भी सारे एक्टिविटीज़ हैं वो आप एक जगह पे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो जब भी आप लोगों को मौका मिलेगा आप बैठेंगे और उस बास्केट को निकालेंगे और सीधा आप स्ट्रेस फ्री होके एक्टिविटी कर सकते हैं। इस बॉक्स में मैंने किड्स सेफ सीजर्स रखे हैं और इस पेंसिल बैग में मैंने पेंसिल, इरेजर और शार्पनर रखा है। और सेकेंड शेल्फ में मैंने तीन बास्केट रखे हैं जिनको मैंने डे के हिसाब से डिवाइड किया है, मंडे, वेनसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड थर्सडे, सैटरडे। तो ये वीकली रोटेशन उनको हेल्प करता है, वो बोर नहीं होते हैं कि सेम एक्टिविटी उनको रोज़ करना पड़ता है। दे विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल द एक्टिविटीज़।
नाउ लेट्स सी मैंने मंडे और वेनसडे बास्केट को कैसे ऑर्गेनाइज किया है। इसमें मैंने एक राइटिंग प्रैक्टिस बुक और एक वन पिक्चर बुक रखा है। एप्पल एंड एरोप्लेन और एक काउंटिंग एक्टिविटी बुक है। कैन यू प्लीज काउंट द हनी बीज? One, two, three, four, five. एक कलर आइडेंटिफिकेशन बुक विथ म्यूजिकल टॉय। म्यूजिकल टॉयज आपके बच्चे के सेंसेस को और इमेजिनेशन को इंक्रीज करता है। एंड वन सेट ऑफ पजल। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ पजल को कैसे आप स्टोर कर सकते हैं। पजल्स के जो बॉक्सेस होते हैं वो बहुत जगह लेता है, तो अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप एक जिप पाउच लीजिए और उस पे रिलेटेड पजल का नाम लिखिए और उसके अंदर सारे पजल्स रख दीजिए। इस तरह से आप पजल को अरेंज करके रखेंगे तो यू कैन सेव लॉट ऑफ स्पेस। एक लेसिंग बोर्ड या कार्ड एक्टिविटी, ये फाइन मोटर स्किल या हैंड और आई कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है और प्रिपेयर देम टू डेवलप अर्ली राइटिंग स्किल। साथ में कुछ स्टिकर्स और सीजर एक्टिविटी भी मैं यहाँ पे रखती हूँ। जो ट्यूसडे और फ्राइडे का बास्केट है उसके अंदर मैंने एक बीन्स या सिंपल ये राजमा या किडनी बीन्स है जो मैंने सेंसरी एक्टिविटी के लिए रखा है। यहाँ पे वन सेट ऑफ पजल है और एक अल्फाबेट बुक। जितना कलरफुल होगा बच्चे का इंटरेस्ट उतना ही बढ़ता है। सेम यहाँ पे भी मैंने एक राइम्स और म्यूजिकल बुक रखा है। एक नंबरिंग बुक है जो उनको ट्रेस करने में या अर्ली राइटिंग में हेल्प कर सकता है। और ये जो लास्ट थर्सडे एंड सैटरडे वाला बास्केट है इसमें भी मैंने ऑलमोस्ट सिमिलर एक्टिविटीज रखा है, जैसे पजल। पर्पल एंड ही इज वेयरिंग पिंक एंड ही इज वेयरिंग येलो। सो दिस थ्री मंकीज आर डिफरेंट। नो, दोज आर सेम सेम मैचिंग। नो, दोज आर नॉट सेम सेम मैचिंग। पजल हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन को डेवलप करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, अपना जो बच्चों का थॉट पावर होता है, जो मेमोरी पावर होता है उसको भी इंक्रीज करता है। इसके बाद मैंने इस बास्केट में कुछ मैग्नेटिक टॉयज, मैग्नेटिक नंबर्स रखा है। Then, three. Then, four. Then, और कुछ मैग्नेटिक स्टिक्स हैं जो उनको हेल्प करता है वर्ड फॉर्म करने में और शेप क्रिएट करने में। और इसके साथ आप इसमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉयज या एक्टिविटी बुक ज़रूर रखें। जैसे ये एक बुक है ओशन हंट, ये मुझे और मेरी बेटी दोनों को पर्सनली खेलना बहुत पसंद है। इसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ से कोई भी एक ओशन फिश या रिलेटेड कैरेक्टर को चूज करके आप इस टॉर्च के थ्रू उसको ढूंढ सकते हैं। तो ये है एक कंप्लीट लिस्ट जिसके अकॉर्डिंग आप अपने टॉय बास्केट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर एक लर्निंग बास्केट सिस्टम मेथड फॉलो करेंगे तो बहुत ही स्ट्रेस फ्री होके आप अपने बच्चे को एक अर्ली लर्निंग दे सकते हैं। इस ड्रॉअर में मैंने सारे कलरिंग और पेंटिंग की चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी है। जैसे आप देख सकते हैं ये सारे कलरिंग और पेंटिंग बुक्स है, क्रेयॉन्स रखा है। बच्चों को कलर करना बहुत पसंद है, हमें बस ज़रूरत है उनको थोड़ा सा एनकरेज करने की। इससे उनका कंसंट्रेशन और इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें मैंने सारे पेंटिंग रिलेटेड चीज़ें रखी हैं, जैसे पेंटिंग ब्रश और कलर्स। और आप साथ में एक मैट ज़रूर रखें तो इससे फर्श या कहीं पे भी बच्चे बैठ के पेंटिंग करते हैं वो जगह इजीली गंदा नहीं होगा। तो सारे एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद जब मैं क्लीनअप करती हूँ तो मुझे कंफ्यूजन नहीं होता है, कोई भी एक्टिविटी मिस नहीं होता है। आप स्ट्रेस फ्री होके अपने बच्चे को क्वालिटी लर्निंग दे सकते हैं
और क्लीनअप बहुत इजी हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बास्केट सिस्टम। कुछ और एक्टिविटी हैं जो आप आपके रेगुलर प्ले टाइम में ऐड कर सकते हैं, जैसे प्ले डो। किड्स लव प्ले डो। कहा जाता है प्ले डो से जब बच्चे खेलते हैं तब उनका स्ट्रेस रिलीज होता है और दे डेवलप देयर इमेजिनेशन पावर। एंड द वन प्लेइंग विद कार, उनको आप इस तरह का रोड के साथ खेलने देंगे कार से, तो यू कैन टीच देम रोड सेफ्टी। और है कटिंग फ्रूट्स, ये वेलक्रो कटिंग फ्रूट्स है जिसके थ्रू उनका रिस्ट स्ट्रॉन्ग होता है और उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी हो जाता है। और टेक्नोलॉजी की बात करें, और अगर आप अपने बच्चे को टैब देना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जाके काफ़ी सारे वहाँ पे अच्छे लर्निंग एप्स आपको मिल जाएगा, फ्री और पेड, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये फनेटिक्स लर्निंग में बहुत यूज़फुल है, पर जितना हो सके बच्चों को मोबाइल या टैबलेट के ब्लू लाइट से दूर रखिए, उनको एक टाइम लिमिट कर दीजिए। आप सोच भी नहीं सकते ये ब्लू लाइट कितना हार्मफुल होता है। इस तरह का राइटिंग बोर्ड बच्चों को पेंसिल होल्ड करने में हेल्प करता है, उनका इंटरेस्ट बना के रखता है। जितने भी सारे मैंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाया है, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। टू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर। बाय बाय। विद मी। हाउ कैन आई हेल्प यू? कैन विद मी। हाय, वेलकम टू द फ्यूचर। इट्स मी।